बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट लखीसराय में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह पेश हुए। एसडीएमजे अरुण कुमार सिन्हा ने दोनों का बयान रिकॉर्ड किया। विश अध्यक्ष इस मौके पर लगभग 10 मिनट तक कोर्ट में रहे। उन्होंने सफाई में जज से कहा कि मिलॉर्ड, मेरे ऊपर लगे सारे आरोप निराधार हैं, वहीं खुद को निर्दोष बताया। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं पत्रकार सुजीत कुमार झा तथा राकेश कुमार सिन्हा एसीजेएम कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान चली सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं दोनों आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताया तथा अपने सफाई में बात रखी। ये मामला 2015 का है, विधानसभा चुनाव का है, और उसमें एक ही दिन की घटना का दो केस किया गया है। ये राजनीति से प्रेरित एफआईआर किया गया है, लेकिन जो सत्य है वो सामने आ गया। आज माननीय गिरिराज बाबू का 313 में बयान हो गया, अब बहस होगा, समय मिला तो जजमेंट होगा। खासकर बेगूसराय की विषय घटना हुई? नहीं, बेगूसराय की घटना होली के समय घटी, और मैंने ये विषय उठाने का काम किया कि आखिर बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। और हमने केवल न्याय की भीख मांगा कि जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि वो घोलमेल करना चाहिए कि थोड़ा इधर भी नाम दे दिए, थोड़ा हिंदू का भी, थोड़ा मुसलमान का भी। ये उचित नहीं है पारदर्शिता के लिए। दूसरी बात है, आने वाले दिन में बिहार के साथ साथ पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून अब आनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे दुनिया का हम लगभग 18% से ऊपर हमारी आबादी है, जमीन लगभग 2.5% है, पानी 4% है। अगर मैं देखूं कि चाइना से ऊपर हमें जाना है, दुनिया में हमें भारत को लंबी छलांग लगानी है, तो हमारे संसाधन सीमित है। आज चाइना एक मिनट में 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और भारत में एक मिनट में 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, इसे धर्म से देखने की जरूरत नहीं है, इसे भारत के विकास से, भारत के सामाजिक समरसता से देखने की जरूरत है। और मैंने शुरू से कहा है कि भारत में हमें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं, मुसलमान में जो कट्टरपंथी कट्टरवादिता है उससे भारत को खतरा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।